विकास के लिए तरसता कोरिया जिले का यह गांव आजादी के 74 वर्ष बाद भी इस गांव में सड़क स्वास्थ्य न शिक्षा पहुंच पाई है। स्थानीय विधायक केवल कागज में ही विकास की गंगा बहा रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। क्या कोई गांव आज भी आजादी के लिए बिलख रहा है? क्या आज भी गांव में स्वास्थ्य सुविधा जैसी महत्वपूर्ण चीज से वंचित है? लोग शिक्षा, सड़क, बिजली से वंचित है लोग का। हमारे ही देश में ऐसे कई गांव मौजूद है। एक ऐसे ही गांव से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आजादी के 74 साल बीत गए हैं, पर आज भी सड़क, बिजली और स्कूल से वंचित है। यहाँ के लोग भरतपुर विधानसभा के भरतपुर जनपद अंतर्गत आने वाले गांव कुदरपा, जो कि अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, चीख चीख कर गांव विकास के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अभी कुछ दिनों बाद 15 अगस्त आने वाली है। यह दिन भारतवासी के लिए खास दिन है। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने इसी दिन हिंदुस्तान को छोड़कर अपने वतन लौट चले थे और भारत स्वतंत्र हुआ था। आज लगभग 74 साल बीत गए हैं देश की आजादी को, लेकिन ग्राम पंचायत कुदरपा में मूलभूत सुविधा का अभाव है। क्या है सच्चाई, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोरिया जिले के विकासखंड भरतपुर में एक ऐसी भी ग्राम पंचायत है जो विकास से कोसों दूर है। इस गांव में जाने के लिए रास्ता तक नहीं है और ना ही इस ग्राम पंचायत में स्कूल है। स्वास्थ्य सेवाओं की तो बात दूर की है, पीने के लिए पानी की सुविधा तक नहीं है। कोसों दूर से पानी की व्यवस्था महिलाएं करती है। जनपद पंचायत भरतपुर के ग्राम पंचायत कुदरापा की, जो कि ग्राम पंचायत में जाने का रास्ता ही नहीं है। यहाँ पर बच्चों की जनसंख्या लगभग 40 होगी जो विद्यालय में पढ़ने लायक है, लेकिन इनकी उम्र जब विद्यालय में पढ़ने की है तो यह खेल रहे हैं। कुदरापा पंचायत में आंगनवाड़ी तो खोली गई है, मगर आंगनवाड़ी की पढ़ाई के बाद के लिए कोई भी विद्यालय नहीं है। अब यहाँ के बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत ही नहीं हो पा रही है, तो आखिर यहाँ के बच्चों के साथ यह अन्याय क्यों? ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि कई बार प्रशासन और स्थानीय विधायक को भी इस बात की जानकारी दी गई है कि यहाँ पर 40 से 50 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है, परंतु उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वहीं हम इस कुदरापा ग्राम पंचायत के पेयजल की बात करें तो यहाँ 4 हैंडपंप है जिनसे कि लाल पानी निकलता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को डोड़ी और नदी का पानी पीने के लिए मजबूर है। किसी कारणवश इस ग्राम पंचायत के ग्रामीणों में कोई व्यक्ति बीमार हो जाते हैं तो उनको अपना प्राथमिक उपचार कराने के लिए 15 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रोड ही नहीं है, जिसके कारण एम्बुलेंस इस गांव तक नहीं पहुंच पाती है। बीमार होने पर लोगों को खटिया पर लेटाकर ग्राम पंचायत ले जाना पड़ता है। इस तरह कहा जाए तो कुदरापा ग्राम पंचायत बीहड़ जंगलों के बीच बसा हुआ है, जहाँ न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न पीने का पानी है, बुनियादी सुविधाएं कोसों दूर है। यहाँ के लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि हमारे गांव के विकास के लिए सर्वप्रथम गांव में एक विद्यालय खोला जाए, जिससे यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर सके। अब बात करें विकास की, तो स्थानीय विधायक गुलाब कमरों की तो केवल और केवल विकास की गंगा कागजों में ही बहाई जा रही है, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। ऐसे कई गांव हैं कोरिया जिले में अभी भी जो अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। का नाम भाई? सट्टा। ये कौन ग्राम पंचायत लागे? पंचायत कुदरा। यहाँ स्कूल है का? यहाँ स्कूल नहीं है, इसी लड़के घूमना था। का नाम बाबा? धीरजपर सिंह। कौन गांव के यहाँ? कुदरा का। यहाँ का व्यवस्था नहीं है? कुछ तो नहीं था। बीमार पड़ा तो कैसे करा था? अब बताओ, क्योंकि मोटरसाइकिल से ले जाते हैं कि खटिया में टांग के ले जाते हैं, अब काम है। देखो यहाँ की खबर चला है, इसमें विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। नंदी का पानी पी थी। कौन गांव लगे? कुदरा। का नाम है? रमेलिया। और ये पानी की व्यवस्था वो कुछ नहीं है नदी के अलावा? हाँ,
मैं कुलदीप तिवारी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष, मंडल जनकपुर। ठीक है, आज मैं आप लोगों के माध्यम से कुदरापा, जो पार्क क्षेत्र के अंदर का गांव है, वहां की कुछ समस्याओं के बारे में शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा कि वहां कुदरापा पूरी तरह से पहुँच विहीन क्षेत्र है। वहां ना जाने के लिए रास्ता है, ना पीने के लिए पानी है, ना किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य सुविधा है। यहां तक कि मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं है। ग्राम पंचायत कुदरापा में 4 हैंड पंप हैं, जो उन चारों में से लाल पानी निकलता है। वहाँ के लोग नदी नाला ढूंढी से पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और जब वो उस पानी को पीते हैं तो फिर उनका बीमार पड़ना निश्चित है, या किसी अन्य कारण से जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनको स्वास्थ्य का मतलब अपने इलाज करवाने हेतु उनका सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है कि उनको किसी कदर खटिया में लादा जाए, 4 लोग पकड़ें, तब फिर वो यहाँ चूल तक आ पाते हैं। भैया आपका? मेरा नाम कुलन सिंह। ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत कुदरापा। स्वास्थ्य बारे में क्या बता रहे थे? स्वास्थ्य के बारे में यही है, जब बीमार पड़ जाए तो यहाँ सिस्टर की भी बुलावे तो उसमें से भी कहेगा किसी को लाओ, जो जे ज़्यादा सीरियस है, डिलीवरी है, तो उसको कैसे हम ले जाएं? फिर क्या करते हो, किस माध्यम से ले जाते हो? फिर वही अपना गाड़ी बुकिंग करके ले जाते हैं। और गाड़ी व्यवस्था नहीं हुई तब? गाड़ी नहीं व्यवस्था होता है, चारपाई में टांग के ले जाते हैं।